फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या एएलपी एग्ज़ाम में आपको कौन कौन सा बुक को फॉलो कर करके आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं इजीली। और जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो इन्हीं सारे बुक से मैं पढ़ाई किया था, तो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो भी एएलपी की तैयारी कर रहे हो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैं आप लोगों को बहुत सारे बुक दिखाने वाला हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ था, और यही बुक को मैंने फॉलो किया था और इस एग्ज़ाम को निकाल लिया था इजली एक ही अटेम्प्ट में। बुक को दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सा बुक पढ़ना है, और ये सारे बुक मैंने लिया था। तो अगर आपको लगेगा कि ये बुक लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। और मैंने मैथ के लिए बहुत सारे बुक को फॉलो किया था, एक ही बुक से मैंने मैथ नहीं बनाया था। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप का आपको क्वेश्चन फेस मतलब प्रॉब्लम आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। बहुत सारे बुक फॉलो करने का फ़ायदा होता है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बहुत सारे बुक। सबसे पहले मैं आप लोगों को अभी मैथ बुक दिखाऊंगा, क्योंकि मैथ बुक स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ। तो आप मैथ को इजीली प्रैक्टिस अगर अभी से करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं पहला मैथ बुक जो मैंने फॉलो किया था। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला मैथ बुक था जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें सारा टॉपिक दिया हुआ है, और ये आपका डॉक्टर आर एस अग्रवाल इसके ऑथर है। देखिए, इसमें काफ़ी अच्छा से दिया हुआ है सारा टॉपिक। तो आप ये बुक को फॉलो कर सकते हैं, और ये बुक में बहुत अच्छा से सम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेरा पहला बुक था जो डॉक्टर आर एस अग्रवाल का फॉलो किया था मैंने। तो एक बुक आपको दिखाया अभी, और दूसरा बुक दिखाता हूँ आपका। बुक मेरा मेनली लेने का रीज़न था कि इसमें बहुत सारे ट्रिक वगैरह दिए हैं, तो कोई कोई क्वेश्चन ट्रिक से इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये आपका साकिर अहमद का ऑथर थे इनका, तो ये बुक बहुत ही अच्छा था। लेकिन हिंदी में अवेलेबल मिलते हैं मार्केट में, तो इसमें बहुत टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसमें ट्रिक वगैरह दिया हुआ है, तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हो गया सेकंड बुक, और ये दो बुक मैंने फॉलो किया था, और मैं अभी बुक आपको दिखाता हूँ। ये हो गया आपका तीसरा बुक, रेलवे सामान्य गणित स्पीडी का है। इसमें बहुत सारे ट्रिक दिया हुआ है, देखिए अच्छा सा इसमें। तो इसमें कोई कोई ट्रिक से सॉल्व इजली हो जाता है, कोई कोई ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा था इसलिए मैं बुक लिया था। जैसे यहाँ पे बताया है सारा ट्रिक, देखिए इसमें जल्दी जल्दी आपका टाइम बच जाएगा अगर इससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ये हो गया तीसरा बुक। तो अभी आपने देखा मैथ का बुक, इतने सारे में प्रैक्टिस किया था, और भी मैं ऑनलाइन स्टडी करता था। जैसे साहिल सर का क्लास को देखता था हमेशा, वो बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक बताते थे और इजली सॉल्व करते थे मैथ को बहुत कम टाइम ले करके। तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं, और भी चैनल है तो आपको जहाँ सही लगेगा ऑनलाइन स्टडी में आप कर सकते हैं। मैंने साहिल सर को फॉलो किया था वाईफाई स्टडी, तो उस समय बहुत ही मतलब अच्छे से पढ़ाया था उन्होंने, और अभी भी पढ़ा ही रहे होंगे, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस करिए डेली। जैसे आप कोई टॉपिक को एक दिन में बनाते हैं, जैसे आप सपोज आज एलजेब्रा में कोई टॉपिक कवर किए, तो उससे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो आप उसमें सेट में प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोगों को जो भी पढ़े उसका प्रैक्टिस हो जाए, तो इससे आपको बहुत ही फायदा। तो मैंने ऐसे प्रिपरेशन किया था जो आपके साथ मैं अभी ने शेयर किया है, तो आपको ऐसे ही अगर तैयारी अभी से कर रहे स्टार्ट तो स्टार्ट कर दीजिए, ये सारे बुक आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, मेरा ट्रेड मैकेनिक डीजल था, तो उससे रिलेटेड कौन सा बुक मैंने फॉलो किया था वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, मैकेनिक डीजल थ्योरी, इसमें सारा कंप्लीट दिया हुआ है जो भी डीजल ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, इसमें सारा कवर किया हुआ है। ये थ्योरी बहुत ही अच्छा से इसमें एक्सप्लेन किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस बुक का फॉलो कर सकते हैं, मैकेनिक डीजल थ्योरी इसका नाम है, आर्यन पब्लिकेशन का है। काफ़ी अच्छा बुक था, और मैं बहुत इसी को ज़्यादा फॉलो किया था, इस बुक को बेसिक इससे सारा क्लियर हो गया था मेरा। और रीजनिंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, आर्यन पब्लिकेशन का है, इसको फॉलो किया था मैंने, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल से भी मैंने हेल्प लिया था।
जिसमें आप अपने से खोज सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम, जैसे आपको एज में प्रॉब्लम है तो वहाँ से देख लेंगे आप कोई भी टॉपिक को सर्च करके कि एज रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल के आपके सामने वीडियो आ जाएंगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये डाइस है तो ये बुक काफ़ी अच्छा था, आप अपने हिसाब से रीजनिंग का बुक ले लीजिए। और साइंस के लिए मैंने एक बुक फॉलो किया था, सामान्य ज्ञान, लूसेंट पब्लिकेशन का आता है, इसको फॉलो किया था मैंने। और एक ये बुक आता है स्पीडी का, इसको मैंने फॉलो किया था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है। और अगर आप बुक और मैंने फॉलो किया था मैथ का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, तो आप इसको ही फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इतना सारा बुक को फॉलो किया था और यहाँ पर भी बुक है और इधर भी बुक है, तो इतना सारा मैंने फॉलो किया था बुक को। और हर बुक को अलग अलग, इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो देखिए, आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, प्लेटफॉर्म का, इसमें भी अच्छा से काफ़ी दिया हुआ है, तो ये सब फॉलो कर सकते हैं आप। और LP टेक्नीशियन का एक ये बुक है, स्टेज 1 एग्ज़ाम के लिए इसको पढ़े थे, फिर ये पढ़ा था मैंने सामान्य अध्ययन। फिर ये आपका नया पैटर्न का बुक है, स्टेज 2 का एग्ज़ाम का बुक का पैटर्न है, और स्टेज 1 एग्ज़ाम का। इतने सारा बुक को सेट प्रैक्टिस के लिए मैंने लिया था जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे था। ये आपका स्टेज 2, ये सारे बुक है, ये ट्रेड थ्योरी का है, Volume 1 Volume 2 करके प्लेटफॉर्म का था, ये बुक को मैंने फॉलो किया था। फिर ये आपका ट्रेड थ्योरी, ये अलग से एक बुक है, इसको भी फॉलो किए थे। फिर ये सामान्य है, मतलब जनरल नॉलेज के लिए एक क्वेश्चन बैंक था, इसको मैंने पढ़ा था। ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बुक था, इसको भी फॉलो किए थे, ये सेकेंड बुक को फॉलो किए थे। और ये सामान्य अध्ययन, ये सबको पता होगा जो तैयारी कर रहे होंगे, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया गया है बहुत सारे क्वेश्चन। और एक ये बुक है जो कि मैं लिया था, इसका रेलवे सामान्य भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए, रेलवे सामान्य विज्ञान SPD का, इसको भी आप ले सकते हैं। रीजनिंग का प्लेटफॉर्म का भी आता है, ये भी ले सकते हैं। ये तकनीकी विज्ञान, ये भी ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इतने सारे बुक को लिया था, बहुत सारा बुक है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि कितना सारा बुक को मैंने फॉलो किया था। तो आपको ऐसे ही, आप एक बुक पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको बहुत सारा बुक लेना पड़ेगा मार्केट से, और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपको, मतलब एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इजली सॉल्व कर ले। तो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए ताकि अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है, तो हर 4 ईयर्स में आया है तो चांसेस है मैक्सिमम 2023 में आ सकते हैं स्टार्टिंग मंथ में। तो आप लोग तैयारी करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिले और मैं अपना अच्छा और भी आपके साथ कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ जो मैंने तैयारी किया था कैसे।